नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगीले। स्वागत में पहाड़ी जिला किश्तवाड़ के सब डिविजन छात्रों के दिछड़ इलाके के मोरी में मौजूद हूं। लगभग 4 से 5 घंटे का पैदल तेज सफर करने के बाद जो है आप इन इलाकों तक पहुंच जाते हैं। इस बात से भी आप सभी वाकिफ हैं कि हमारी लगातार ये कोशिश रहती है कि सब डिविजन छात्रों के जितने भी दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं उन लोगों की क्या मुश्किलात है। हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उस मसले को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। अगर वहीं हम यहाँ मकामी लोगों की बात करें तो इन लोगों का कहना है कि 1947 से लेकर आज तक हमें ये नहीं लगा है कि तामीर और तरक्की क्या चीज है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो मोरी गांव है यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं है, दिछड़ इलाके के लिए सड़क भी नहीं है, नहीं इस इलाके के लिए बिजली है। और वहीं इन लोगों का ये कहना है कि छोटी सी छोटी अगर हमें आटा पीसना होगा तो हमें वो भी दिल्लर जाना पड़ता है। राशन के लिए इन लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जो दिछड़ इलाका है, मोरी इलाका है, ये काफी पहाड़ी इलाका है और दूर दराज इलाका है। यहाँ पर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। इन लोगों से मजीद बातचीत करते हैं और जानते हैं लोगों को यहाँ पर रहने में किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मुझे अपना आपको यहाँ पर करना पड़ता है। सर, हमें पहले रोड नहीं, बिजली नहीं, जो भी आते हैं इधर बोलते हैं हम रोड देंगे, बिजली देंगे, अस्पताल देंगे, स्कूल देंगे, वोट मांगते हैं तो वोट ले जाते हैं। कौन कौन लीडर आए? कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, पहले ये एनसी कांग्रेस थी, फिर ये कांग्रेस, बीजेपी, तो हमें कोई सहूलत नहीं मिला सर। उसके बाद बोलने लगे कि बिजली देंगे हम, रोड देंगे, तो कहाँ है रोड? सुनने में आया था 2012 में जो है यहाँ के लिए एक बिजली लाइन भी सैंक्शन हुई थी। हाँ सर, पोल लगे हैं यहाँ पर, इन्होंने नाले से लगाई तो फलट आया तो गई वो नाले। अब आप लोगों की डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से क्या गुजारिश है? बस सर, हमें रोड चाहिए और बिजली और अस्पताल तो सुकून। अगर हम दिछा डोहलगाम और मोरी की बात करें तो कितने लोग यहाँ पर रह रहते हैं? सर, हम कम से कम कोई 100 घर हैं। 100 घर यहाँ पर रहते हैं। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? गुलाम कादरवानी। गुलाम कादरवानी साहब, जरा बताएं कि क्या क्या मुश्किलात हैं आप लोगों को यहाँ? हमारे पास बिजली है ना, हमारे पास कोई रोड है ना, यहाँ सुकूल मोरी में कश्मीरी जितने भी घर है यहाँ पे सुकूल नहीं है। दिछड़ में सुकूल है, जगह जगह सुकूल है। हमारे बच्चों को तकरीबन 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, वो भी दूर है। आप लोगों को अगर हम बात करेंगे, जब इलेक्शन टाइम आता है क्या कुछ नेता लोग, कुछ लीडर लोग जो हैं आप लोगों के पास भी यहाँ पहुँचे? उस वक्त तो कहते हैं वो सब हम देंगे, आज नहीं कल दे देंगे, लेकिन बाद में देता कोई नहीं ना, इधर कोई आता ही। वोट लेने के बाद भूल जाते हैं? भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है 1947 से लेकर आज तक आपके इलाके में, आपके गाँव में कुछ बदला? ना, कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला, नहीं बदला। क्या गुजारिश है इंतजामिया से? बस रोड, बिजली और स्कूल यहाँ होना चाहिए था, ताकि यहाँ अगर कोई बीमार पड़ता है तो जो रोड पर पहुँचाते उधर तब तक वो रास्ते ही में मर जाता है। अब आप लोगों की इंतजामिया से यही मांग है कि जल्द से जल्द तो आप लोगों को सड़क मिलनी चाहिए, बिजली सड़क और मिलनी चाहिए। और अगर डिस्पेंसरी कोई छोटी सी दवाई वगैरह यहाँ पर भी कोई बंदोबस्त होता है उसका, तो डिस्पेंसरी यहाँ पर नहीं है, छोटा हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है। राशन वगैरह आप कहाँ से लाते हैं? राशन वगैरह भी छात्र दलर से हम लाते हैं, रोड नहीं है, घोड़ों पे लाते हैं, जो 700-800 रुपया एक घोड़े वाला लेता है यहाँ पे, या तो कांधे पे उठा। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किलात है यहाँ? बर्फ वगैरह कितनी गिरती है? बर्फ तो 8-10 फुट तक पड़ती है, बढ़ती है। चलिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमीन वानी। मोहम्मद अमीन साहब, विंडो में जरा क्या मुश्किल चुकी थी? ऐसे क्या मुश्किल गोड़ने गैसे आसन रोड 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 के बाद गैसे आसन स्कूल, ठीक है, स्कूल बाद गैसे आसन ऐसे मशीन वगैरह ये थी, ये ओट पे हो ये पेट पे वाले मकाई हन बोन सब पेवन पेवन तथि अन गर तो लगान दो योर वाल तोड़ खड़ा। क्या इंतजामिया, क्या गुजारिश है तुम? सी गुजारिश ये कि अच्छे गोड़ रोड, तमें बाद गए रोड रोड बिजली गई जो, तमें बाद क्या अगर मशीन दिहन गए त्रे तो इथे कन हस्पताल के चोर बेमार वगैरह तो क्या लांग वगैरह थोदड़े वोदड़े अच्छा तुम चटान चट खड़ान तुम पे बेमार पत् छोतरो वो जान बाज पोलस या ना वो या अड़वती मोद के वापस ये क्या किस गया गोडी थी खबर कत किस गई अस चाय सबस घर वाजन योत सखरल डंड गुंड लग बना तो सपद अंदर
बीमार बन वा रोड पे मरीज वापस क्या मांग तो डीसी गवर्नर साहबस बस ये रोड बिजली हस्पताल स्कूल मशीन मुश्किल जंगल नजरा दू नजर तुम्हें तम तनो कितस जंगल मोहर अलग पे मुश्किल रोड हस्पताल क्या सा बीमार पे नवान तुल बनान डाय तथ पे नवान तुल मड़स नोड नस्पताल न स्कूल न सन बच्चे ये वातन मुलूकस अकिस पढ़ने छोतरो मुश्किल ना दू रोड दिन मुश्किल हर चीज मुश्किल हुकूमत आई सी मुश्किल गई नूर क्या बदल अस पे ग्रटस ग मिर्वज दलर स्टोर तलर पे बमार कहान मकसे हन हे लांग सटह कमोन अगर सो अटको तोतान योतान लांग वांग अनो नात बन अगर सो वती गो अन फिर वातन घर गई बिजली सायव बिजली नार नार लग पोल योत वाचा रेत गो तो सैलाब खोत तो सो वाचक तूर वापस ठीक शीना वना क्यों तो पे शीन क्या आठ फुट नौ फुट शीन पे क्यूज कल सदह जाय ये ग्रटस बन ग सुन कंज लकड़ी वन कंज तथ मन त्रावन मकई तयत तो खेवन यानी वक्त पाश कर लगन कमो लुकन वजह से कमो हुकुमरान वजह से तुंद अल ये आस तुकूमत आय चाहे सह हुकूमत अस क्या वन त्रेन नफर या चोरन हे ये सा हे ये वोट यम कर जो कवर वोट आ बस आय के दी के वोट वो मतलब कसा यन हे वोट हा दी अहन सा यमिस अंडर दू तस वोट गई वोट हेथ तम यम अस बराबर फर्खा पे ना क्यों गोस रोड बे गोस बिजली गोश बे गोस कम पाय कम ज्याद टीके सुम हस्पताल जरिया अटकाव गस अगर नमूनिया कोरुन दिमोश टीक या प्रेशर गो ज्याद योतान ये वात छोतरो तोतान सो वत मकलोम आबादी आबादी क्या ये लग भग वन हाथ पेठी पेठी पेठी
चलिए शुक्रिया। तो नाजरीन, आप अभी तक इन लोगों से सुन रहे थे, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दौर में जहां पर बिजली नहीं होगी, जहां पर सड़क नहीं होगी, जहां पर छोटा सा छोटी दवाई दस्तियाब नहीं होगी, और अगर खुद घर का अनाज पीसने के लिए यहां से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर रहने वाले लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब हम इन लोगों से बात कर रहे थे, इन लोगों का साफ कहना है कि जो बुलंद दावे किए जाते हैं तामीर और तरक्की के, यहां पर अगर देखा जाएगा जीरो ग्राउंड पे, जो दिछड़ इलाका मोहरी या डोलगाम की मैं बात करूं, तो यहां पर अभी तक 1% भी काम नहीं हुआ। ना यहां पर स्कूल है, ना यहां पर बिजली है, ना यहां पर सड़क है। आखिर यह जो पहाड़ी इलाका है, यहां पर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बर्फबारी भी होती है, और अगर आप सड़क से यहां के लिए आएंगे तो 4-5 घंटे पैदल आपको सफर करने के बाद जो है आप यहां पर पहुंचेंगे। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यह गुजारिश रहेगी कि जल्द अज जल्द यहां के लोगों की ओर ध्यान दिया जाए। लगभग यहां पर 100 से ज्यादा घर रहते हैं, इसमें ज्यादातर आबादी जो है वह गुजर बरादरी की आबादी है, और यहां पर रहने वाले लोगों को आज भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नाजरीन, बोल्ड वॉइस देखने और सुनने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत कैमरामैन अनिल कुमार के साथ, मैं ठाकुर रंगील दिछड़ मोरी से बोल्ड वॉइस के लिए।